Islam did not believe in social clan and treated every human beings as equal. तो इस्लाम में ऐसा कहा गया है कि वो किसी भी सब कास्ट या सब क्लास में वो नहीं मानते हैं, सब ह्यूमन बीइंग्स को इक्वली और ट्रीटेड एवरी ह्यूमन बीइंग्स एज इक्वल। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से नए रीजन्स और कौन कौन से रीजन्स हैं जो एमर्ज होते हैं, कौन कौन से सोशल और कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि एमर्ज होते हैं उस टाइम में, और देखो जो कि और कौन कौन से ऐसे मूवमेंट चलते हैं जिससे कि जो कि लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कि रिवाइवल ऑफ ब्रह्मानिज्म। वो नई नई चीज़ें लाकर लेकर आती हैं वो सोसाइटी में और बहुत सारे फेमस हो जाते हैं, लोगों में इतने फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे उनको संस्कृत और क्लासिकल टेक्स्ट की उनको नॉलेज थी, उनको लोगों को लगता था कि हाँ यार ये काफ़ी उनको नॉलेजबल पर्सन है। उसी तरह भक्ति मूवमेंट भी चला, काफ़ी सारे जो साइंस थे हमारे जैसे कबीर और तुलसीदास जी मेरा भाई वाले, वो भी भक्ति मूवमेंट को काफ़ी प्रमोट करते हैं। जब एडमिट ऑफ इस्लाम होता है इंडियन सोसाइटी में तो ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। जो सूफिज्म वर्ड होता है इनका, जिसमें कहा गया था कि गॉड के लिए एक ऐसी फोर्स है जो कि सब ह्यूमन बींग्स को इक्वली यूनाइट करती है और सबको इक्वली ट्रीट करती है। वो तो उस तरह के ब्राह्मण में ये जो चेंजेस हो जाते हैं, गॉड में चेंजेस अकर्ड इन हिंदू रिलीजन में। ठीक है, ये ऐसा एक सोसाइटी में क्रिएट करते हैं कि नई नई चीज़ें लेकर आते हैं सोसाइटी में, कि नए नए तरीके लाते हैं वर्शिपिंग ऑफ न्यू डाइटीज के, नए नए टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, और जो ब्राह्मण्स होती हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी में वो इंक्रीज हो जाती है। वो और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि हिंदी भी लैंग्वेज भी नहीं आई थी, किसका किसकी मिक्सिंग थी, वो पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज की। जो पर्शियन होती है वो कोर्ट लैंग्वेज बन जाती है किस किस की, रूलर्स ऑफ दिल्ली और मुगल एम्पायर की। उस दिन काफ़ी सारी बुक्स लिखी जाती है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो हमने ये सब देख लिया हमें कि कौन कौन से सोशल ग्रुप और कौन कौन से रीजन्स थे उस टाइम को एमर्ज हुए थे। नई नई इन्वेंशन होती है जैसे पर्शियन व्हील था, ये काफ़ी सारा ये नई चीज़ लेकर आ जाते हैं सोसाइटी में, जो कि हेल्पफुल थी इरीगेशन के लिए। और एक टॉप्स की इन्वेंशन होती है, टॉप्स के लिए किस लिए यूज़ करते, ओवरकम टू द लार्ज आर्मीज ऑफ राजपूत। और राजपूत कहाँ से निकल आए थे, जब हर्षवर्धन जो एम्पायर था उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जो रीजनल किंगडम से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और राजपूत कहते थे कि हम जो है एंशियंट क्षत्रिय हैं, और वो काफ़ी सारे ब्रेव थे और वो नए नए उनके पास स्किल्स थे वारफेयर करने के लिए। और उस दौरान काफ़ी नई नई ड्रेसेस फूड वेबिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि जो हमारे खान नए नए फूड आते हैं जैसे लखनऊ के रूमले, ये आज भी फेमस है हमारे। ठीक है, तो आज के लिए हम